देखिए मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस चल रहा था और आप उस केस को जीत जाते हैं लेकिन जो पार्टी हारी है वो अब क्या करती है अपील फाइल कर देती है लेकिन उस अपील के बारे में आपको पता ही नहीं चलता उस अपील की सुनवाई स्टार्ट हो जाती है उस अपील में बहुत ज्यादा चीजें स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज्यादा सीनारी पर बात हो जाती है लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा तो ऐसे कैसे चलेगा तो जो आप नीचे ट्रायल कोर्ट से आप जीते हो जो केस उसका क्या फायदा रह गया अब अपील अपीलेट कोर्ट में पता नहीं क्या चल रहा है

तो आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे और सेक्शन वन फोर्टी सिविल प्रोसीजर कोड को बहुत अच्छे से जानेंगे जो केवीएड के बारे में बात करता है उससे पहले इफ यू गाइज मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरी आईडी आपके सामने रही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी अब बात करते हैं केवीएड की केवीएड जो है हमारा लेटिन टर्म है लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट अ पर्सन बीवर मेन मतलब होता है ठीक है इट मे सिंपली बी अंडरस्टूड एज अ वार्निंग वार्निंग की तरह भी इसको क्या कर सकते हैं इसको समझा जा सकता है कि वी की कोई भी डेफिनेशन हमारे किसमें नहीं है सीपीसी में कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं दी है लेकिन निर्मल चंद वर्सेस गिरिंद्रा नारायण का केस था उस केस में केविएट के बारे में जानकारी दी गई कि केविएट इज अ कॉशन और वार्निंग गिवन बाय अ पर्सन टू द कोर्ट नॉट टू टेक एनी एक्शन और ग्रांट रिलीफ टू द अदर साइड विदाउट गिविंग नोटिस टू द केविएटर एंड विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हिम यहां पर यह बात की गई कि देखिए केविएट एक कॉशन है या फिर एक वार्निंग है कि कोर्ट कभी भी की अगर केविएटर मौजूद नहीं होगा जिसने केविएट फाइल की है अगर वो मौजूद नहीं होगा तो सुनवाई नहीं करेगी कोई भी उसको अपॉर्चुनिटी देगी प्रॉपर की आप भी अपना केस लड़िए ये सब यहाँ पर केविएट में दिया होगा मतलब सुनवाई नहीं करेगी विदाउट गिविंग नोटिस टू द केविएटर केविएट का मतलब ही ये होता है क्या होता है केवीएड का मतलब कि ये हमारे ए पर्सन है ठीक है इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ डिस्प्यूट हुआ अब इनको डर है कि जो बी पर्सन है वो क्या कर सकते हैं केस फाइल कर सकते हैं अब ये ए पर्सन ने क्या किया केवीएट फाइल कर दी अब ये फाइल करेंगे ये अपनी ही जुरस्डिक्शन में ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में कोई झगड़ा हुआ है लेकिन मुंबई में केवीएड फाइल की जा रही है ऐसा नहीं होगा अपनी ही जुडिसडिक्शन में आप क्या करोगे केस फाइल करोगे फाइल करोगे अब इन्होंने केवीएड फाइल कर दी अब बी जो है वो क्या आ गया वो केस लेकर आ ही गया हमारे इस कोर्ट में जहां पर केविएट फाइल की गई थी अब कोर्ट का क्या करेगा कोर्ट नोटिस देगा ए को कि जनाब आ गया है केस अब आ जाइए अब सुनवाई करते हैं अब हियरिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए कैियट से क्या फायदा हो गया कि जहां आपके डर रहे थे कि पता नहीं कब जो है केस फाइल कर दे दूसरी पार्टी वहीं पे आपको कोर्ट से नोटिस आ रहा है कि आ जाओ जनाब आपके खिलाफ आ गया है केस अब लड़िए अच्छे से तो यही केविएट का जो होता है प्रॉपर मतलब होता है इसका ऑब्जेक्ट भी यही है कि जो केविएटर हैं उनको एक प्रॉपर इस तरीके से देखिए किस तरह से हेल्प हो रही है एक चीज ठीक है तो यही केविएट का हमारा एक ऑब्जेक्ट भी होता है पर्पज भी होता है अब अगर बात करें हम सेक्शन 148 ए को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं हमारा सेक्शन 148 बात करता है राइट टू लॉज केविएट

यहाँ पर ये बात करता है अब ड्यूटीज ऑफ द केविएटर की कि आपने केविएट फ़ाइल करनी तो है लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप क्या करेंगे जनाब आप केविएट फाइल करेंगे अब उसका जो भी है जो नोटिस है वो किसको देंगे उस पार्टी को देंगे जिससे आपको डर है कि ये मेरे खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करने जा रही है

जब भी क्या हो गया कैवीएट फाइल कर दी गई तो अब कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि कोर्ट नोटिस भेजेगा कैटर को कि जनाब आ गई है आपके खिलाफ एप्लीकेशन अब आ जाएगी इसका रिप्लाई ले ले आइए इस तरह से सारी प्रोसीडिंग चलती है तो कोर्ट की भी ड्यूटी बन जाती है नेक्स्ट क्लॉज बनता है हमारा क्लॉज फोर और फोर क्या बात करता है उस पर्सन की ड्यूटी एप्लीकांट की जो क्या कर रहा है जिसने एप्लीकेशन फाइल करनी है जिसके खिलाफ कैवीएट लॉज हो रही है उसकी क्या ड्यूटी बनती है उसकी ड्यूटी बनती है कि नोटिस ऑफ़ हैज बीन ऑन द ही अब यहां पर क्या हुआ ए ने बी को नोटिस भेजा कि मैं तो कैियट फाइल कर रहा हूं आपके खिलाफ ठीक है क्योंकि मुझे लगता है कि आप क्या करोगे सूट फाइल कर दोगे अब यहाँ पर जब बी के पास नोटिस आया और बी ने सच में ही एप्लीकेशन फाइल करनी थी तो बी यहाँ पे क्या करेगा उस एप्लीकेशन की कॉपी भेजेगा हमारे केविएटर को और साथ में साथ में क्या करेगा उन डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपी भेजेगा जो वो रिलाई कर रहा है मतलब कोई भी एप्लीकेशन अगर उसने ए के खिलाफ वो एप्लीकेशन दर्ज कर रहा है। ठीक है तो उसने कुछ, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए होंगे ना देखिए ये डॉक्यूमेंट document, इन से पता चल रहा है कि और एप्लीकेशन तो की कॉपी भी देनी पड़ेगी, पड़ेगी। जिससे अब मैं को किस तरह से हैंडल करूंगा मेरे खिलाफ क्या चीज आई है राइट और यहाँ पर कोर्ट कभी भी क्या नहीं करेगा कोर्ट कभी भी ए के खिलाफ यहाँ पर ए के बिना यहाँ पर केस जो है वो नहीं सुनेगा हियर नहीं करेगा अब क्लॉज फाइव हमारा क्या कहता है कि ठीक है आपने कभी एक पटिशन फाइल तो कर दी लेकिन इसका लाइफ कितना है कितने समय तक ये पिटीशन चली रहती है तो क्लॉज हमारा बात करता है कि 90 डेज का पीरियड होता है जनाब कि अगर ए पर्सन केवीएड फाइल करते हैं कि बी पर्सन कहीं सूट तो नहीं फाइल कर दें तो इस कैड का जिस दिन उन्होंने कैबीएड फाइल की थी उस दिन से लेके 90 डेज तक की इस पर्टिकुलर कैबीएड पटिशन की लाइफ रहती है अगर मान लो इन 90 डेज के अंदर या फिर इन 90 डेज के बीच में कोई भी सूट फाइल नहीं हुआ ए के खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई आएगी के खिलाफ तो क्या होगा तो वो एक्सपायर हो जाएगी नाइन पिटिशन वो भी फाइल हो जाएगी एक्सपायर हो जाएगी तो उनको फिर से एक और वेट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी अगर उनको सच में ही डर है कि हाँ ये मेरा खिलाफ पक्का कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा तो फिर उसे उनको फिर से एप्लीकेशन जो है जो वेट पिटिशन जो है फाइल करनी पड़ेगी उसके बाद में फिर से यही होगा कि उनको जब केवियन फाइल करेंगे नोटिस भी भेजना भी पड़ेगा दूसरी के के खिलाफ लिए और कोर्ट जो है अगर एप्लीकेशन आ गई तो वो फर्निश करेगा कि हाँ जी देखिए आ जाइए जनाब यहाँ पर आपके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन आ चुकी है तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट था वो केवियट का हमने एक तरह से पूरा समझ लिया होप आपको ये बेसिक जो ये जो टॉपिक है ये ना कुछ बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका 90 डेज वाला पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे इसमें जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में आ जाते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमको कवर करने होते हैं तो आई होप आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो गया होगा सारा का सारा आपको केवीएड पिटिशन के बारे में पता लग गया होगा और अगर आपने प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना अगर आप तो आपको मुझे बिल्कुल पता है आई एम वेरी श्योर कि आपको इस बारे में नॉलेज होगी केवीएड के बारे में आए दिन तब तो प्रैक्टिस के टाइम पे आए दिन कैवीएड आप देखते हो कि केवीएड फाइल हो रही है कोई भी केस जीत जाता है तो वो केवीएड फाइल करता है कि कहीं कोई कुछ और ही ना लेकर आ जाएगी हमारे खिलाफ कोई और ही ना एप्लीकेशन फाइल कर दे बहुत चीजें हो जाती हैं राइट तो इस तरह से केवीएड चलती है तो आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए और अगर कुछ और आपको वीडियो लॉस रिलेटेड चाहिए होगा देन प्लीज लेट मी नो गाइज आपके सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे इस आई की राइट तब तक अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए थैंक यू सो मच गाइज